हाय गाइस, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा नाम है ईना और मेरा एक छोटा सा बेटा है 5 इयर्स प्लस, जिसे ऑटिज्म है। आप वीडियो सेक्शन में जाकर पूरी स्टोरी जान सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइट से रिलेटेड, और वो डाइट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है ऑटिज़म के अंदर, उस डाइट का नाम है GFCF डाइट। अगर आपको नहीं पता या आप पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं GFCF, तो GF का मतलब होता है ग्लूटेन फ्री एंड CF का मतलब होता है कैसीन फ्री। ग्लूटेन फ्री और कैसीन फ्री डाइट जो है वो हेल्प करती है इन्फ्लेमेशन को रोकने में या इन्फ्लेमेशन को क्योर करने के लिए। और भी बहुत सारी डाइट्स होती हैं, नीम चेक प्रोटोकॉल होता है, फिश ऑयल का इंटरवेंशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स फॉलो करते हैं जिससे बच्चों के सिम्टम्स में सुधार जो है देखा गया है। 25% बोला जाता है या रिपोर्ट किया गया है कि बच्चों के जो ऑटिज़म के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्पीच का इशू है या कॉग्निटिव बिहेवियर है या सोशल कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक लोगों ने जो है रिड्यूस होते हुए देखी है GFCF डाइट के साथ। ग्लूटेन जो है वो खाने की बहुत सारी फॉर्म ऑफ थिंग्स होती है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें आपको मिलेगा। कैसीन जो होता है वो बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि एग में कैसीन होता है या नहीं होता, तो एग जो है डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई चीज़ें होंगी उसमें ही कैसीन होगा, अदरवाइज कैसीन जो है और किसी चीज़ में नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हद तक अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं फॉलो कर पाते हैं तो कोशिश करिए कैसीन फ्री डाइट को फॉलो करने के लिए, बिकॉज कैसीन रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी इश्यूज़ को बढ़ाने में। सेंसरी इश्यूज़ का मतलब है बच्चे को नॉइज़ से प्रॉब्लम होना, आई कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम होना, या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की सीकिंग होना, सेंसरी सीकिंग होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई की कॉर्नर में जो है बच्चा बहुत ज़्यादा देखता है, शेडोज़ से बहुत ज़्यादा प्ले करता है, हैंड्स को बहुत ज़्यादा पास से देखता है, माउथिंग करता है, ये सब सेंसरी इश्यूज़ में अकाउंट होते हैं। अगर आपको नहीं पता सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, आप प्लीज़ उसको चेक करिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी एक्चुअली सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है। एंड कैसीन का रिडक्शन या कैसीन का बिल्कुल ख़त्म कर देना डाइट के अंदर से बहुत ज़्यादा मेजर हेल्प करता है आपका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को जो है ट्रीट करने में या उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने में। तो कैसीन कोशिश करिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। आलमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं अगर मिल्क आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और सॉलिड फूड्स नहीं खाता है, मिल्क पे रिलाई करता है पूरे दिन, तो आलमंड मिल्क दे सकते हैं। बट प्लीज़ आप कोशिश करिए जितना कैसीन आप कम कर सकें उतना अच्छा है। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें मेंशन था कि घी और क्लैरिफाइड बटर जो होता है उसमें कैसीन नहीं होता। इनफैक्ट जिन लोगों को एलर्जी होती है कैसीन से, वो भी ये चीज़ें ले सकते हैं। मैं अवॉइड करती हूँ, मैं ऑलिव ऑयल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल ब्रेन हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं कोशिश करती हूँ कि घी या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट वाली चीज़ विराज को नहीं दूँ, जिसमें पनीर आ गया, चीज़ आ गया, योगर्ट आ गया, या फिर प्रॉपर मिल्क हो गया, तो मैं ये सब नहीं देती। मैं रादर उसको आलमंड मिल्क देती हूँ, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे भी उनकी जो मिल्क की इनटेक होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सॉलिड फूड स्टार्ट होता है, बच्चों का पेट भरना शुरू होता है एंड वो मिल्क पे कम रिलाई करते हैं। अगर आप बिल्कुल भी हटा नहीं सकते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करिए कि अगर आप मिल्क की कंजम्पशन सिर्फ एक बार कर सकें दिन में, लेकिन अगर आप बिल्कुल हटा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ ग्लूटेन किस में होता है और कैसीन किस में होता है। ग्लूटेन फ्री बेसिकली जो है वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ग्लूटेन या प्रोसेस्ड फूड जितना हम खाते हैं, जैसे कि हम ब्रेड्स खाते हैं, मैदा खाते हैं, या और भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, राय है या फिर किशमिश होती है जो ब्राउन वाली, उसमें भी ग्लूटेन होता है। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें ग्लूटेन होता है। कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि ओट्स में ग्लूटेन होता है, यस ओट्स में ग्लूटेन होता है, लेकिन ओट्स आप ग्लूटेन फ्री मंगा सकते हैं। मैं ग्लूटेन फ्री ओट्स ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज ओट्स जो है वो फाइबर है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन के अंदर। तो अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो आपके लिए ग्लूटेन फ्री ओट्स जो है वो बेस्ट मेथड रहेगा। चाहे आप उसका ओट का पुडिंग बनाइए, चाहे ओट का चीला बनाइए, इस तरह से कुछ भी अगर आप बना के खिलाते हैं बच्चों को, तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है। शुगर अवॉइड करिए, वाइट शुगर नहीं लीजिए, ब्राउन शुगर ले सकते हैं, और आप शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, डेट्स यूज़ कर सकते हैं, खजूर, उसको पीस कर या पानी में भिगो कर उसको जो है सॉफ्ट कर आप मैश करके भी मिल्क में मिक्स कर सकते हैं, देन उसे छान दीजिए, बच्चे को नहीं पता चलेगा एंड स्वीटेंड इफेक्ट जो है वो कर देगा, वो स्वीट कर देगा चीज़ को।
पर आप कोशिश करिए वाइट शुगर नहीं यूज़ करें। वाइट चीज़ें जैसे होती हैं वाइट मिल्क, ब्रेड, शुगर, ये जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं देते हैं बच्चे के अंदर और उसकी गट हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आपको बार बार लग रहा होगा इन्फ्लेमेशन, मैं बोल रही हूँ कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन जो है वो कम करता है ग्लूटन फ्री और कैसीन फ्री डाइट। इन्फ्लेमेशन का मतलब है आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर कोई इंजरी है या कोई भी इशू है जहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो भी एरिया में आपके, चाहे ब्रेन में, चाहे बॉडी में, चाहे पेट में, हाथ में, कहीं पर भी जहाँ पर भी इशू है वहाँ पर सोरनेस आती है, स्वेलिंग आती है, रेड ब्लड सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो इम्पैक्ट करती है टोटल बिहेवियर को। एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, अगर हमें भी चोट लगी है, सर में दर्द है या कोई भी इशू है तो हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। लेकिन क्योंकि हम वर्बली एक्सप्रेसिव हैं बचपन से तो हम बता सकते हैं, बट हमारे बच्चे वर्बली एक्सप्रेसिव नहीं हैं या एक्सप्रेशन की कमी होने की वजह से बच्चे जो है बता नहीं पाते एंड वो उनका जो बिहेवियर है वो हमें ऑड लगता है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप ग्लूटन फ्री और कैसीन फ्री डाइट पे जाते हैं, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ों से आप ग्लूटन हटा दें या कैसीन हटा दें, तो आप अपने बच्चे की बिहेवियर में, उसकी स्पीच में, उसकी हाइपर एक्टिविटी में, उसकी स्लीप में बहुत फ़र्क देखेंगे। क्या मैं ग्लूटन फ्री और कैसीन फ्री डाइट यूज़ करती हूँ? जी हाँ, मैं करती हूँ। मैं ग्लूटन स्टिल कुछ चीज़ों में हो जाता है, बट कैसीन फ्री डाइट को रखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं, विराज की हाइपर एक्टिविटी कम होते हुए देखी है, आई कॉन्टैक्ट अच्छा होते हुए देखा है, अटेंशन बढ़ते हुए देखा है, फिश ऑयल भी रिस्पॉन्सिबल रहा है काफ़ी हद तक। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में हमारी डाइट। आप किसी भी तरीके का खाना खाते हैं एज एन इंडिविजुअल, डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके टोटल बिहेवियर में, आपकी आउटलुक में, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में, आपके थिंकिंग पैटर्न में। क्योंकि जो ग्लूटन होता है और जो कैसीन होता है वो ब्रेन फॉग क्रिएट करता है। ब्रेन फॉग का मतलब होता है आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत कम हो जाता है, आपको थिंकिंग कैपेसिटी नहीं रहती है, आप सिचुएशन के सामने, जब आपके सामने सिचुएशन होती है आप डील नहीं कर पाते बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि एनवायरनमेंट में जो सिचुएशन है या जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उसमें आपको कहाँ कंसंट्रेट करना है। तो इन सब चीज़ों को कम करने में ग्लूटन फ्री और कैसीन फ्री डाइट काफ़ी हद तक हेल्प करती है। मैंने कोशिश करी है आपको लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की, जो स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हैं फूड आइटम्स के आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं कौन सा मिल्क विराज को पिलाती हूँ, आलमंड मिल्क, दो ब्रांड्स हैं, एक एपिगामिया है, एक सो गुड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं स्विच करती हूँ, दोनों ही ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं और दोनों ही ब्रांड्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस के ही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जानना कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बट प्लीज़ कोशिश करिए कि कैसीन फ्री तो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अगर ग्लूटन स्टिल आप नहीं कर पाते तो मेजर रिडक्शन कर दीजिए प्रोसेस्ड फूड में, जैसे कि जितना भी जंक फूड है वो मत खिलाइए, मंथ में एक दिन रख सकते हैं, मंथ में एक दिन आप खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो दिन खिलाइए, बट कोशिश रखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आप अपने बच्चे को ग्लूटन फ्री डाइट पर रखें। कैसीन फ्री पे 100% रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। आप जो फूड आइटम्स मुझसे मांग रहे थे या जो आप लिस्ट मांग रहे थे मुझसे कि मैं एक डाइट चार्ट फॉलो करूँ, सब कुछ खिलाइए अपने बच्चे को, बस जो भी खिलाते हैं एक बार गूगल पर जाकर फटाफट चेक कर लीजिए कि क्या इस प्रोडक्ट में ग्लूटन है या नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट्स में कैसीन होगा और बाकी आइटम्स में आपको ग्लूटन पता चल जाएगा अगर आप गूगल पे चेक कर लेते हैं तो। सो जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर एंड कीप स्माइल। बाय।